एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का खेत में खुदाई कर रहा होता है। ओए मेरी माँ, बहुत जोर का मारा है मेरी कमर पर। अच्छा भला सो रहा है तबे। अरे मेरे अल्लाह की आवाज कहाँ से आ रही है? ओए नीचे देख, नीचे इस चराग में बंद हूँ मैं। है चराग में बंदा है? अरे भाई चराग में भी कोई बंदा हो सकता है क्या बड़ा? पर भाई आप हो कौन? अरे मैं जिन हूँ जिन। पर जिन भाई आप इस चराग में क्या कर रहे हो? ओ इंसान, एक जालिम आदमी ने मुझे इस चराग में बंद करके इस मिट्टी में दबा दिया था। अब तू एक काम कर, इस चराग को रगड़ ताकि मैं आजाद हो जाऊँ। पर जिन भाई आपको अगर मैंने आजाद कर दिया तो कहीं आप मुझे तो नहीं खा जाओगे? नहीं नहीं ओए, मैं तुझे नहीं खाऊंगा बल्कि तेरे बहुत काम आऊंगा। ठीक है जिन भाई, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। फिर बिट्टू चराग को रगड़ता है तो एक जिन वहाँ पर आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? अरे जिन भाई, मैं कोई आका नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा इंसान हूँ। अच्छा मालिक, सब छोड़ो, ये बताओ आपको क्या ला कर दूँ? फिर बिट्टू सोचने लगता है, इससे क्या मंगवाऊँ क्या मंगवाऊँ। हाँ जिन भाई, आप एक काम करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए चिकन लेग पीस ला कर दो। मालिक, क्या आप छोटी छोटी फरमाइशें कर रहे हो? जिन भाई, ये तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि देख सकूँ आप कोई काम कर भी सकते हो कि नहीं। अच्छा अच्छा मालिक, अभी लाता हूँ मैं। ये कहकर जिन गायब हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में गायब हो गया। लगता है बिट्टू तेरे हाथ बहुत काम की चीज लग गई है। फिर बिट्टू चराग लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह बैठकर जिन का इंतजार कर रहा होता है। यार ये जिन भाई किधर गया, अभी तक नहीं आया। इतने में जिन वहाँ पर आ जाता है। ये लो मालिक, आपका चिकन लेग पीस। वाकई जिन भाई, ये तो कमाल हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मालिक, अब मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। आपको अगर कोई भी काम पड़े, आप इस चराग को रगड़ देना तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है जिन भाई। फिर जिन गायब हो जाता है, जबकि उसी गांव में मीठा और नसीबो कैंची रहते थे। अरे मीठे, क्या तू बॉडी बिल्डिंग करता रहता है? तूने कौन सा किला फतह करना है? ओ मोटी नाक वाली औरत, मैं ये डंबल इसलिए उठा रहा हूँ ताकि मैं पहलवान बनकर लोगों की धुलाई कर सकूं। मीठे, ऐसा ना धुलाई करने के चक्करों में खुद ही अपनी धुलाई करके आ जाती हो। जब देखो फजूल बोलती रहती है, तेरे से ये नहीं होता कि अपने शौहर की तारीफ ही कर दूं। ओ मीठे, तेरे में तारीफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं तेरी तारीफ क्या करूं? जबकि एक जगह गरीब बूढ़ी औरत और उसकी बेटी बैठे होते हैं। माँ बहुत भूख लग रही है, बेटा तो फिक्र मत कर, कोई अल्लाह का बंदा जरूर आएगा जो हमारी मदद करेगा। इतने में एक आदमी वहाँ से गुजरता है। अरे बेटा, हमारी कुछ मदद कर दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है। अरे अम्मा, मैं तेरी कहाँ से मदद करूँ, मेरे घर में खुद बच्चे भूखे बैठे हैं। ओह बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, जा बेटा जा, अल्लाह तेरी मदद करे। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू वहाँ से गुजर रहा होता है। बेटा, ओ बेटा, हमारी मदद कर दे, मेरी बेटी बहुत भूखी है। माँ जी आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। फिर बिट्टू चराग निकालता है। अम्मा अम्मा, इन अंकल ने चाय की केतली निकाली है, जरूर कि हमें चाय पिलाएंगे। बेटा ये चाय की केतली नहीं, ये जादुई चराग है। बेटा वाकई तू सच बोल रहा है, ये जादुई चराग है? हाँ माँ जी, ये सच में जादुई चराग है। देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर बिट्टू चराग रगड़ने लग जाता है तो वहाँ जिन आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? ये देखकर माँ बेटी हैरान रह जाते हैं। अम्मा अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
बेटा आप डरो मत, ये जिन्न हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये तो हमारी मदद करेगा। मालिक हुक्म करो, आपको क्या चाहिए? जिन भाई इन माजी और इनकी बच्ची के लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ। जो हुक्म मेरे मालिक, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। माजी आप फिक्र मत करो, जिन भाई अभी खाना लेकर आ जाएगा। इतने में जिन खाना लेकर आ जाता है। लो मालिक, मैं खाना ले आया। माजी अब आप यहाँ बैठकर खाना अच्छे से खाओ। नहीं बेटा, मैं खाना घर ले जाऊंगी, मेरे और भी बच्चे भूखे हैं। ठीक है माजी, जैसे आपको बेहतर लगे। फिर वो बूढ़ी औरत और बच्ची खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मालिक और कोई काम है मेरे लायक तो बताओ। नहीं जिन भाई, जब कोई काम होगा तो मैं आपको बुला लूँगा। ठीक है मालिक, मैं अब सोने जा रहा हूँ। अच्छा जिन भाई, एक बात तो बताओ। जी मालिक, हुक्म करो। जिन भाई आप इतना सोते क्यों हो? वो क्या है मालिक, हम जिन भी थोड़ा थोड़ा इंसानों पर गए हैं, हम भी इंसानों की तरह काम कम करते हैं और सोते ज्यादा है। जिन भाई ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। अच्छा मालिक, अब मैं चलता हूँ। फिर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। अच्छा नसीबो, मैं अपने उस्ताद के पास जा रहा हूँ, उनसे लोगों को मारने के लिए दाव पेच सीखने के लिए। अमिठे कुछ दाव पेच कमाने में भी सीख ले अपने उस्ताद से। तुझसे तो बात ही करना फजूल है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। फिर मीठा घर से निकल पड़ता है और अपने उस्ताद के पास आ जाता है। आए आए मीठे मेरे शागिर्द, जो दाव पेच मैं तुझे सिखा रहा हूँ, तुझे ठीक से तो समझ आ गई है ना? हाँ उस्ताद जी, और एक पाँव से दूसरे के पाँव को खींच कर उसे गिराने वाले दाव को मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ। गुड मीठे शाबाश। इतने में बिट्टू वहाँ आ जाता है। पहलवान साहब कैसे हो, और कैसी चल रही है मीठे भाई की ट्रेनिंग? बिट्टू एकदम फिट चल रही है ट्रेनिंग। अब मीठा पूरे गांव में धमाल मचाएगा, और जो भी इससे जीत जाएगा तो उसे मैं पूरे 10,000 रुपए दूंगा। वाह पहलवान साहब, 10,000 रुपए दोगे? अरे ये पहलवान की जबान है। पहलवान साहब, मैंने भी एक बंदा तैयार किया है, लड़वा लो फिर उसे मीठे भाई से। हाँ ले आओ उसको। फिर बिट्टू साइड पर आकर चराग को रगड़ता है तो जिन आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? जिन भाई, वो जो बंदा है उससे आपकी कुश्ती करवानी है। जो हुक्म मेरे मालिक। फिर बिट्टू और जिन आ जाते हैं, जिन को देखकर पहलवान और मीठा खूब हंसते हैं। ये सूखा पतला बंदा तैयार किया है तूने? मेरा शागिर्द इस पर पाँव ही रखेगा तो इसका दम निकल जाएगा। ठीक है पहलवान साहब, लड़वा कर देख लो। फिर जिन मीठे को लात मारता है तो मीठा दूर जाकर गिरता है, और फिर जिन मीठे को खूब मारता है। अबे बिट्टू, इस सूखे पतले बंदे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? पहलवान साहब, ये बंदा नहीं चढ़ाक का जिन है। भाग मीठे, ये बंदा नहीं जिन है। फिर मीठा वहाँ से भाग जाता है और घर आ जाता है। ओए नसीबो, मैं मर गया, जल्दी से मेरी मरहम पट्टी कर। मीठे ये सीखी थी तूने दाव पेज, धुलाई करने की बजाय धुलाई करवा क्या गये तू? फिर नसीबो उसकी मरहम पट्टी करती है। ओए मैं मर गया, अब नहीं करूँगा मैं पहलवानी। नाजरीन मेरे चैनल को लाइक कमेंट और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।